नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है और नशे के चक्कर में आपसी तू तू मैं तकरारबाजी और छोटी सी बात से तुम्हें पता है एक चिंगारी ही आग बन रही है आजकल। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त हम कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के खट्टा कॉलोनी में मौजूद हैं, ब्लॉक बी में हैं और यहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है जहां पर दो भाइयों को बीच सड़क एक व्यक्ति आता है और चाकू से गोंद देता है। बीच सड़क पर दोनों तड़प रहे होते हैं, आसपास के लोगों का जमावड़ा होता है, एक की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात गंभीर बताई जा रही है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की जानकारी के अनुसार आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम शाहरुख बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हैं इसी जगह पर, इसी ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है, इसी सड़क पर उनको शुरू में ही वहाँ पे चाकू मारा जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे आते हैं, किसी तरह वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बड़ा भाई कमल किशोर है उसकी मौत हो जाती है और छोटा भाई शुभम फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके साथ ही अभी जो चीज़ें हैं उसे, जो यहाँ के हालात हैं गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ की टीम सामने मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जाँच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हालाँकि आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि माहौल को देखते हुए जो है वो थोड़ा सा, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह से तीन बच्चों के बीच में एक थोड़ी बहुत झंझट के कारण ये हो रहा है, जो मन मुटाव थे उसे लेकर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है खून के धब्बे निशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहीं पर वो आए, पूरी तरह से उनके जो उनका जो शरीर था वो छल्ली हो चुका था चाकू से और कई बार उन पर वार किया गया और जो पूरा शरीर था वो खून से छल्ली हो चुका था, चारों ओर सिर्फ खून सड़क पर नज़र आ रहा था। हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, यहाँ के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है कि लोग ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं इस मामले पर और फिलहाल सामने पुलिस की तैनाती पूरी तरह से की गई है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी, क्योंकि माहौल की गंभीरता को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दोनों पीड़ित थे उनका नाम कमल किशोर और शुभम था। चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से चीज़ें हुई और जो घटना के समय जो लोगों ने देखा, क्या देखा सर, क्या जो घटना हुई कल उसे किस तरह से मतलब हुई और कहा जा रहा है कि ऑटो से आए लड़के और वहाँ पे गिर गए। देखिए जी, मैं तो यहाँ पे था नहीं, मेरा दुकान है ये और मेरा छोटा लड़का था दुकान पे, ठीक है जी। और ये जो घटना हुआ है ये आगे नाले पे हुआ था, जो मेरे को सुनने में आया, मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, सुनने में आया कि वहाँ हुआ है और वहाँ से ऑटो में आया था और ऑटो में से यहाँ गिरा है, ठीक है। यहाँ जब गिरा है तो पब्लिक सब एकदम से दौड़ी है देखने के लिए, पब्लिक देख रही थी, इतना मुझे पता है, इससे आगे का मुझे नहीं पता। लास्ट में क्या हुआ कि गाड़ी में डाल के उसको एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई तो कोई अपने गाड़ी में डाल के ले गया हॉस्पिटल, इतना मुझे पता। आजकल की न्यू जनरेशन में नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है और नशे के चक्कर में आपसी तू तू मैं तकरारबाजी और छोटी सी बात से तुम्हें पता है एक चिंगारी ही आग बन रही है आजकल। तो इस क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि नशे की चीजें ज्यादा होती है, वो मतलब नशा करते हैं लोग, जहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए करीब 2.5 साल होने को आया है, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ नशे की लत बच्चों में बहुत ही ज्यादा है। ये जवान तो बहुत दूर की बात है, टीनेजर नशा कर रहे हैं। कि पुलिस अब 140 करोड़ की आबादी है, अब हर आदमी के पीछे तो पुलिस नहीं रहेगी, मगर पेट्रोलिंग तो होती होगी। तो पेट्रोलिंग में भी जी ऐसा है कि पुलिस की गाड़ी जब आती है तो चोर उचक्के ऐसे जितने भी कलाकार होते हैं ना, ये पुलिस से ज्यादा तेज होते हैं, आवाज सुनते ही गायब हो जाते हैं। तो आपने देखा कि लोगों का कहना है कि जो नशे की चीजें हैं वो भी यहाँ पर इस जगह पे काफी ज्यादा है, युवा नशे के काफी ज्यादा आदि हो चुके हैं और नशे की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा चलती है। और इस मामले में भी कहा जा रहा है कि ये भी एक कारण था कि चलते, मतलब आप समझिए कि जहाँ से शुरू से एक यहाँ पे गली के बाहर एक नाला है वहाँ पर गोली मारी गई, ऑटो पर थे दोनों और
चाकू मारा गया उन्हें, वहां से वो चाकू मारते रहे और जब उन्हें चाकू लगी लगातार उनका खून गिरता रहा। उसके बाद ऑटो से आकर वो यहाँ पर गिरे, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले भी। और अब लोगों का जो कहना है और जो जांच में चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नशा भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इस मोहल्ले में इस जगह पे नशे की जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की जो पेट्रोलिंग कही जाती है कि बहुत पेट्रोलिंग करती है पुलिस, और पुलिस इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो फिर आखिर वो चीज़ें कहाँ हैं, आखिर पुलिस इन चीज़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो लगातार चीज़ें सामने आती है। ऐसे कई मामले लगातार में सामने आ रहे हैं। आज से दो दिन पहले भी इसी तरह से किसी को 12 लोग मिलकर एक को मार देते हैं, और ऐसे बहुत सी घटनाएं लगातार में सामने आ रही है। तो फिर आखिर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस की कार्रवाई क्यों पीछे रह जाती है, और पुलिस क्यों इन चीज़ों को गहराई से गंभीरता से नहीं ले रही है, आखिर इसके कारण क्या है, ये सभी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।